हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में मैं देख रही हूं क्या है आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज। देर रात के पर्सन किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर, क्या आपको इनके माध्यम से याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से, और क्या क्या चेंजेस इनकी एनर्जीज, इनके इमोशंस में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर आए हैं, इन सभी चीजों को मैं इस रीडिंग में देख रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार जुड़ रहे हैं लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन को अभी तक आपने अगर अभी तक प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको आपके पर्सन के रिगार्ड यू ही इसी तरह से नई नई जानकारी, नए नए अपडेट मिलते रहे। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखेंगे। हो सके तो उनका अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार कार्ड्स निकालते दौरान आप जरूर से लेंगे। तो चलिए जी शुरुआत कर लेते हैं, देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या बना हुआ है, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर, व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनके स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। स्पिरिट गाइड, डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। I choose you. I wonder if you still want me. Nobody compares to you. I don't have the strength to speak to you. And I want to wake up beside you every morning. And bottom is kiss me. Okay. Guide कीजिए universe, please divine, please archangels, please holy angels, please spread guide, मुझे guide कीजिए मेरे viewers के person की current energies, current state of mind क्या बना हुआ है, viewers को लेकर, viewers से जुड़े हुए connection को लेकर, spread guide, guide कीजिए। Expect a call, divine guidance, inspirations, loyal, trustworthy, holding on tight, not letting go, गाइड कीजिए और बताइए। स्प्रेड गाइड, व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या बना हुआ है। ड्रामा क्वीन, अटेंशन सीकर, एंड बॉटम इज ब्रेकअप और सेपरेशन। ओके, देखिएगा व्यूअर्स, मुझे ना यहाँ पर एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग में ये वाइब्रेशंस दिख रही है कि आपके पर्सन के पास या तो पास्ट में ऑप्शंस रहे हैं, या इस इंसान के पास अभी किसी तरह का ऑप्शन आया है, जिस रीजन की वजह से ये पर्सन काफी ज्यादा डिस्टर्ब मुझे इस वक्त में दिख रहे हैं। एज एन यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज दिख रही है कि इस इंसान के सामने अब ऑप्शंस रखे जा रहे हैं, और ये पर्सन उन ऑप्शंस में आपको ढूंढ रहे हैं, ये उन लोगों में आपको ढूंढ रहे हैं, आपका कंपेरिजन इनके माध्यम से करा जा रहा है। चाहे फिर ये ऑप्शन जो है वो इनके पास पहले ही क्यों ना हो, यानी कि आपसे सेपरेट होने के बाद, इस ब्रेकअप से पहले ही इनके पास वो ऑप्शन हो, या अब इनके सामने लाए गए हैं। और यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स इसी रीजन की वजह से कहीं ना कहीं इस स्टेट ऑफ माइंड में है कि काश ये आपसे मिले ना होते, क्योंकि क्या हो रहा है ना अब इनके साथ, ये हर जगह हर इंसान में आपको ढूंढ रहे हैं, और ओवरऑल आपको ये जब नहीं ढूंढ पा रहे, आप नहीं मिल पा रहे हो, तो इस इंसान को बेसिकली व्यूअर्स परेशानी हो रही है, क्योंकि ये पर्सन आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे लौट कर आ पा रहे हैं। तो यहाँ पर इसी रीजन की वजह से मुझे ये पर्सन ऐसी एनर्जी में है जैसे वापस से आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा इनके दिल में इनहेंस तो हो रही है, डेवलप तो हो रही है, लेकिन उसके बदले में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आप इस रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा लॉयल रहे हो, ट्रस्टवर्दी रहे हो, यही सबसे बड़ी खूबी है आपके अंदर की, कि आपका कंपैरिजन ये किसी से कर नहीं पा रहे हैं। और उसके अलग मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि आप इस रिश्ते में ना लॉयल और ट्रस्टवर्दी होने की वजह से इस इंसान को अपनी जिंदगी से जाने नहीं देना चाह रहे थे, आप इस इंसान को बहुत टाइट से पकड़े रहना चाह रहे थे, और ये इंसान ना सिर्फ और सिर्फ आपको लेट गो करने की चाह में, या फिर ये पर्सन दूसरे ऑप्शंस की तरफ बढ़ने की इच्छा की वजह से आपके उस टाइट होल्ड तक को इस इंसान ने वैल्यू नहीं दी, बजाय उसे वैल्यू देने के उसे बहुत आसानी से इन्होंने जाने दिया।
अब इसी कारणवश ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली आपके सामने कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर इस इंसान ने खुद से छोड़ा है, आपने नहीं छोड़ा, आप तो यहाँ पे लॉयल रहे हो, ट्रस्टवर्दी रहे हो, लेकिन छोड़ने वाले क्योंकि इंसान बने हैं ना, इसी कारणवश ये पर्सन उस स्टेट ऑफ माइंड में इस वक्त में पा रहे हैं, ना कहते बन पा रहे हैं, ना निगलते बन पा रहे हैं। आपका टेंशन पाने की चाह इस इंसान के दिल में काफी ज्यादा इनहांस इस वक्त में हो रही है, क्योंकि खुद से तो मुंह नहीं पड़ पा रहा और आपकी तरफ से कहीं ना कहीं वो अटेंशन अब इस इंसान को नहीं मिल पा रहा। चांसेस दिख रहे हैं शुरुआती तौर से ही अटेंशन सीकर रहे हैं, आपने जितना इंटेंशन इन्हें दिया है या जितना आपने इन्हें भाव दिया है, इन्होंने अपना भाव उससे कहीं ज्यादा ही मान लिया। इस पल में भी वही एनर्जी है, जैसे कि उस अटेंशन को पाने के चलते आपकी तरफ से कोई कॉल आ जाए, खुद ब खुद आप बात कर लो, खुद ब खुद कहीं ना कहीं आप वही अटेंशन इन्हें दे दो जिसके ये भूखे इस वक्त में हैं। वो प्यार, वो किस, वो पहली मुलाकात, वो पहला किस, वो पहला हग, वो सभी चीजें इस इंसान को इस पल में काफी ज्यादा कमजोर कर रही हैं। यही कमजोर इंसान इस वक्त में ना ये चाह दिल में लिए हुए हैं कि काश नेक्स्ट मॉर्निंग में ना ये पर्सन आपको देखें, एक सुबह जो भी हो ना, अब जो भी नई सुबह हो उसमें ये आपके साथ जागें, उस सुबह का वेलकम ही आपके साथ करें। उस तरह की चीजें इस इंसान को व्यूअर्स काफी ज्यादा ना यहाँ पर कमजोर कर रही है। तो अगर ओवरऑल स्टेट ऑफ माइंड को देखा जाए तो हाँ, बहुत कमजोर पड़ रहे हैं ये पर्सन इस वक्त में, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर ना ये पर्सन आपको छोड़ते बन पा रहे हैं, ना ये आगे बढ़ते बन पा रहे हैं, क्योंकि हर जगह हर इंसान को, हर इंसान में ये पर्सन आपको ढूंढ रहे हैं, और ओवरऑल आप ही हो, आप जैसा पीस कोई और नहीं बना है। इस चीज को ये पर्सन ना कहीं डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन से जैसे मानो इन्हें इस चीज के लिए इंस्पिरेशन मिल रही हो, ठीक है। सो देखो, सच्चे इंसान को ना बार बार अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए डिवाइन यूनिवर्स अपने आप काम करती है, और आप यहाँ पर अगर लॉयल थे, ट्रस्टवर्दी थे, तो आपके लिए डिवाइन यहाँ पर अपने आप से काम कर रही है, और वही इनके साथ हो रहा है। अब इनके सामने अगर हजारों ऑप्शंस भी है ना, तो ये हजार ऑप्शन में भी आप जैसे इंसान को बना नहीं पा रहे हैं, वो स्टेट ऑफ माइंड इस पर्सन का इस वक्त में बना हुआ है, ठीक है। चलिए मैं देखती हूँ इस एनर्जी के साथ ये पर्सन और कैसा फील कर रहे हैं आपको लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। अब मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ पहले व्यूअर्स, देन मैं आपको राशियां, नंबर्स जो भी मुझे दिखेंगी मैं आपको वो बताऊंगी, एंड फिर उसके बाद बताऊंगी कि इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ ये पर्सन कैसा फील कर रहे हैं। गाइड कीजिए डिवाइन, फाइव ऑफ बैंड्स, स्प्रेड गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन की करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए, करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर इस एनर्जी से स्टेट ऑफ माइंड के साथ क्या बना हुआ है। स्प्रेड गाइड, एम्परर, हर्मिट, फोर ऑफ पेंटिकल्स, गाइड कीजिए, बताइए स्प्रेड गाइड, व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बना हुआ है। स्प्रेड गाइड, गाइड कीजिए, फाइव ऑफ कप्स एंड बॉटम इज क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। सबसे पहले राशियां, तो व्यूअर्स देखिएगा, ये है आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जिसमें आपका एरीज काफी स्ट्रॉन्ग में है, ये आपका वर्गो हो गया, ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। नंबर्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे व्यूअर्स आपका 5, 4, 9 एंड आपका 13, ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट दिखा। एंड मंथ अगर डिस्कस करे जाएं तो यहाँ पे आपका मई, अप्रैल, सितंबर एंड आपका अप्रैल, ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, जो आपसे अपने पर्सन से जुड़े हुए हो सकते हैं, चाहे फिर वो डायरेक्टली आपसे जुड़े हुए हो या इनडायरेक्टली वे में आपसे जुड़े हुए हो सकते हैं। देखो व्यूअर्स, मुझे ना यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं, जो ऑप्शंस की बात आ रही है ना, ये ऑप्शंस बेसिकली हैं, कल भी थे और आज भी हैं, बस बात इतनी है कि कल भी इस इंसान को आप जैसा इंसान नहीं मिला और आज भी इस इंसान को आप जैसा इंसान नहीं मिल पा रहा है। मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं, ये जो भी ऑप्शंस इनकी तरफ बढ़े हैं, ये परिवार की तरफ से दिए जा रहे हैं कि भाई आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो, इससे नहीं इससे कर लो, तो उसकी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बन रही है,
ठीक है। और उसके अलग फादर फिगर काफी स्ट्रॉन्ग में है व्यूअर्स, चांसेस है कि फादर फिगर से ये पर्सन काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि मुझे बेसिकली यहाँ पर ये दिख रहा है व्यूअर्स कि फादर फिगर की तरफ से ही इस इंसान की तरफ ऑप्शंस बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब फादर फिगर में कोई भी हो सकता है, इवन मदर भी हो सकती है, अगर उनका रोल आपके पर्सन की जिंदगी में एज अ फादर या फादर से कम नहीं रहा है। यहाँ पर आपके पर्सन बेसिकली आपको लेकर इस वक्त में काफी ज्यादा मुझे पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, एज एन जिन इमोशंस पर इस इंसान ने काफी कंट्रोल कर लिया था या अभी भी करे हुए हैं, वो सभी इमोशंस वो सभी फीलिंग्स इस इंसान की खुद ब खुद यहाँ पे काफी ज्यादा एनहांस हो रही हैं। जैसे जो भी रिस्ट्रिक्शंस है, जो भी परिवार की कंडीशंस है, जो भी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, उन सभी बंधनों को तोड़ ताड़ कर ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने की चाह काफी ज्यादा इस वक्त में अपने अंदर का डेवलप होती हुई पा रहे हैं। वो पॉजिटिवनेस जैसे कभी का इस इंसान ने ताला लगा दिया था या कभी का इस इंसान ने इग्नोर कर दिया था या देखना उचित नहीं समझा था, वही यहाँ पर इस इंसान के अंदर काफी ज्यादा डेवलप हो रही है। मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि आपको लेकर जितनी ज्यादा इनसिक्योरिटी या रिग्रेट इस इंसान के दिल में इनहांस हो रहा है व्यूअर्स, उतना ज्यादा ये पर्सन अपने परिवार में ना सेट नहीं हो पा रहे, परिवार से ये पर्सन किसी तरह का समझौता नहीं कर पा रहे या परिवार के ओपिनियंस को ये पर्सन समझ नहीं पा रहे या समझने की कोशिश नहीं करना चाह रहे, क्योंकि सारी फीलिंग सारा ध्यान इस इंसान का आपसे जुड़े हुए रिश्ते में उम्मीद बांधने की तरफ इन्हें लेकर जा रहे हैं। जैसे कि होता है ना कि इंसान के दिल में अगर आपको लेकर फीलिंग्स डेवलप हो रही है तो वो कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश करने लगता है कि शायद आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो यूं ही वाला रिश्ता नहीं है, इस रिश्ते में कुछ तो बात है जो ये अभी भी आपके लिए इतना ज्यादा नीडी है या अकेलेपन में ये पर्सन आपसे जुड़ने की, आपसे कनेक्ट होने की ये कोशिश कर रहे हैं या वो चाह रख रहे हैं, तो ऐसी चीजें इस इंसान को काफी ज्यादा यहाँ पर तोड़ रही हैं। देखो व्यूअर्स, यहाँ पर आपके पर्सन डेफिनेटली आपको छोड़कर लड़को कर आगे बढ़े, लेकिन जब से आपका टेंशन इस इंसान को मिलना बंद हो गया या खत्म हो गया, तब से कहीं ना कहीं वो स्थिति इस इंसान की हो गई है, ना आपसे कुछ बोलने की हिम्मत पड़ पा रही है और ना इवन आपको मुंह दिखाने की हिम्मत इस इंसान की पड़ पा रही है, अपना मुंह छुपा रहे हैं, वो रिग्रेट इस इंसान को यहाँ पर हर पल हर घड़ी तोड़ रहा है। और थर्ड पार्टी में है या परिवार में है तो डेफिनेटली वहां पर भी ये पर्सन पूरी तरह से सेट नहीं हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं मन में इस चीज का रिग्रेट या इस चीज का डर भी इस इंसान के काफी इन्हांस हो रहा है कि शायद आपके दिल में जो इमोशंस थे जिनसे आप जुड़े हुए थे या जिस वजह से आप इनसे जुड़े हुए थे, वो इमोशंस वो सपना आपने कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत पीछे छोड़ दिया या आपने उसे बहा दिया, अपने आंसुओं के साथ साथ आपने वो इमोशंस वो सपना वो प्यार सब कुछ आप बहा चुके होंगे, तो वो सवाल वो डर वो इनसिक्योरिटी भी कह सकते हो आप इस इंसान के दिल में इस वक्त में काफी ज्यादा यहाँ पर डेवलप हो रही है। उम्मीदें बांधने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद आप नहीं तो किसी और इंसान में इन्हें वो लॉयलिटी वो भरोसा वो मिल पाएगा, लेकिन ओवरऑल देखो जितना उम्मीदें बांधने की इस इंसान के थ्रू कोशिश करी जा रही है, ये खुद से उस उम्मीद को तोड़ रहे हैं, आपको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये खुद से उस उम्मीद को तोड़ रहे हैं, वैसी फीलिंग मुझे इस पर्सन की यहाँ पर दिख रही है, वो स्टेट ऑफ माइंड इनका बना हुआ है। मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं परिवार के बीच में यहाँ पे काफी ज्यादा ओपिनियन के क्लैश होने की वजह से परिवार के बीच में ये पर्सन ये तक बात अपनी रख रहे हैं कि काश ही आपको चुनते, काश ही आपकी कॉल को उस वक्त पे रिसीव करते या आप जो इनसे कॉल पे बात कर रहे थे ये उस बात को मानते, तो इस तरह की भी बात ना आपके विषय में अपने परिवार के बीच में रख रहे हैं, अपना ओपिनियन रख रहे हैं, ठीक है। हालांकि जितना ज्यादा परिवार यहाँ पर सख्त बने हुए है, इन्हें गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा यहाँ पे उनको नेगलेक्ट करने की या उनकी बात से सहमत नहीं होने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उनकी बात से ये पर्सन अब सहमत नहीं हो रहे हैं, भले पहले ये कितना भी सहमत क्यों ना हो लिए हों। मुझे देखो व्यूअर्स यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज दिख रही है कि ये पर्सन थोड़ा सा एक वक्त पे ना पैसों को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव हुए,
लेकिन इस पल में इनके वो हालात हो गए हैं जहां पर अपनी ये पैसों को लेकर पॉसेसिवनेस इस इंसान को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती नजर आ रही है, और ये उस गलती को खुद से सीने से लगाकर या खुद से उसे लॉक करके बैठे हैं। वही कारण बन रहा है इस इंसान की हिम्मत कम पड़ने के पीछे का, क्योंकि पता है ना इस इंसान को इन्होंने पैसे की वजह से आपकी कॉल तक को रिसीव नहीं करा, या आपको इन्होंने नहीं चुना, आपके इमोशंस की कदर इन्होंने नहीं करी। तो वो सबसे बड़ा यहाँ पर इस इंसान का रिग्रेट है, सबसे बड़ी मिस्टेक है जो यहाँ पर बन रही है वजह इस इंसान के अपने इमोशंस को अपने तक ही सीमित और कैद करने के पीछे की। ठीक है, चलिए थोड़े से मैसेजेस देखती हूँ इस इंसान की तरफ से, कहने की क्या इच्छा उठ रही है इन सभी फीलिंग्स के बाद इस पर्सन की आपसे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की इन सभी फीलिंग्स के साथ व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा उठ रही है, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। I am addicted to you. तो बेसिकली ये पर्सन यही कहना चाह रहे हैं कि देखो जितना कंपैरिजन इनके थ्रू करा जा रहा है ना, उतना खुद से समझ में आ रहा है कि इन्हें आपकी आदत पड़ गई है, आपको लेकर ही एडिक्टेड हो गए हैं। यू आर इरेप्लेसेबल, तो ये चीजें फिर से कहना चाह रहे हैं कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, और इन्होंने यही गलती करी, आपकी जगह किसी और को देने की कोशिश करी। आई गेट बटरफ्लाइज एवरी टाइम माई आईज लॉक विद योर्स, कहना चाह रहे हैं कि अब तो ये पर्सन ना आपको ही देखते रहते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर अभी भी हैं तो ये पर्सन सोशल मीडिया पर आप ही को देखते रहते हैं, आप ही पर जाकर इनकी आईज लॉक हो जाती हैं। आई विल कम बैक फॉर यू, कहना चाह रहे हैं कि ये आना चाहते हैं फिर से आपकी जिंदगी में, आपके पास फिर से लौटकर आने की चाह है। आई वॉन्ट टू मीट यू, आपसे मिलने की चाह इनके दिल में काफी ज्यादा इस वक्त में इनहेंस हो रही है। एंड नो अदर कम्पेयर्स टू यू, और ये चीजें फिर से आई हैं, नो बडी कम्पेयर्स टू यू, नो अदर कम्पेयर्स टू यू, कि भाई आपका कंपेरिजन कोई नहीं कर सकता। तो बहुत ज्यादा ये चांसेस दिख रहे हैं कि एक वक्त इस इंसान ने ना व्यूअर्स आपका कंपैरिजन ही करा है, जो कंपैरिजन जो कैलकुलेशन इस इंसान की गलत साबित हुई है, इसी कारणवश बार बार ये पर्सन अपने आप से ही आपसे कहने की इच्छा रख रहे हैं कि हाँ आपका कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता। आपने शायद बहुत करी है इस इंसान की, हर तरह से आपने इनकी करी है, और वही करा हुआ इस इंसान को अब आगे बढ़ने नहीं दे रहा, वही करा हुआ इस इंसान को वापस से आपको अपनी जिंदगी में लेकर आने की इच्छा को डेवलप कर रहा है। देखते हैं इसी इच्छा के साथ क्या ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे या नहीं। स्पिरिट गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए इसी इच्छा के साथ क्या व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ कोई एक्शन लेंगे या नहीं। स्पिरिट गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। डेथ बॉटम इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखो व्यूअर्स बेसिकली ना यहाँ पर इस रिश्ते में चीजें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर चीजें जो खत्म हुई है ना वो नए सिरे से शुरू होने की वजह से खत्म हुई है। यानी कि यहाँ पे रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगा, भले अभी यहाँ पर बहुत सारी चीजें खत्म हुई हैं, लेकिन इन खत्म करी हुई चीजों की वजह से ये इंसान एक्चुअली में समझ पाए हैं आप कौन हो, आपकी क्या जगह है, या आपका कंपैरिजन इन्होंने गलत तरह से करा। तो ये सभी चीजें इस इंसान को बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में, बहुत मैच्योर्ड एनर्जी में पहुंचाएगा, और यही इंसान यहाँ पर पूरी तरह से टोटली चेंज होकर ही आपकी तरफ एक्शन लेंगे। एज एन ये इंसान पहले ऐसे नहीं थे जो बैलेंस्ड होकर चीजों को देख रहे थे, एक कुछ का कुछ कैलकुलेट कर रहे थे, जिस कारणवश यहाँ पर आज आपको ये चीजें देखनी पड़ी। ठीक है व्यूअर्स, लेकिन हाँ यहाँ पे पॉसिबिलिटीज फिर भी बन रही है, लेकिन अभी इस इंसान को अपने आप पर और भी बहुत सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज दिख रही है व्यूअर्स कहीं ना कहीं 4 to 5 weeks की इस इंसान की तरफ से actions आने की, या maximum 13 to 14 weeks की इस person की तरफ से actions आने में अभी वक्त लग जाएगा, क्योंकि अभी इन्हें अपने आप पर बहुत काम करना है। अभी तो यहाँ पर ये person उस phase में पहुंचे हैं जहाँ पर खत्म करके चीजों को समझ रहे हैं कि खत्म करने से ultimately इनका खुद का कितना नुकसान हुआ है, या फिर इन्होंने कितना कुछ खो दिया है, या फिर आपकी importance, आपकी value इनकी जिंदगी में क्या है।
ठीक है, यही चीजें इस इंसान को अब अपने आप को बदलने के लिए एक मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को आपको देखने के लिए ने बोलेगी और उसी के बेस पर इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ एक एक्शन बढ़ेगा। लेकिन फॉर श्योर पॉसिबिलिटीज बन रही है, आपको कहीं ना कहीं अपने आप को पॉजिटिव रखना है। लेकिन देखो अपने आप को पॉजिटिव रखने का क्या मतलब है, काफी लोग यहाँ पर ये चीजें लगा लेते हैं कि हाँ भाई अब हमें वेट करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें बस वेट करना है। लेकिन यहीं से ना आप अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती कर देते हो और उससे आपकी जिंदगी पर असर पड़ता है। आप सुनकर वेट करना शुरू कर देते हो, ना अपने पे वर्क करते हो, ना हील करते हो, ना पॉजिटिव रखते हो अपने आप को। मतलब आपके साथ होते सब चीजें छोड़ दी भाई, अब होता होगा खुद होगा और इस हिसाब से होगा। जहां से आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक करना शुरू कर देते हो, तो वर्क ऐसा नहीं है एक तरफ से होना है। रिश्ता का मतलब है वो साइकिल जिसके दोनों पहिए चलने जरूरी है, और आप कहीं ना कहीं ये सुनकर अपनी साइकिल का पहिया रोक देते हो जो आपके जिंदगी में ना ब्लॉकेजेस को डिलेस को लेकर आता है। तो अपने आप पर वर्क करने से आपको कभी भी पीछे नहीं हटना है, ये जरूर से आपको एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली, आप थोड़ा बहुत भी कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आप अभी तक लाइक नहीं कर पाए, क्लेम नहीं कर पाए, ग्रेटिट्यूड नहीं दे पाए, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास व्यूअर जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके बाय बाय।